डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय के व्यवहारिक मात्रक। हमने ऐसा ही मात्रक पढ़ चुके हैं, इनके सब की अगर हम बात करें तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता था किलोग्राम और समय का होता है सेकेंड। ये तो थे व्यवहारिक, सॉरी ऐसा ही मात्रक थे लंबाई, द्रव्यमान और समय। आज हम बात करेंगे व्यवहारिक मात्रकों की। तो व्यवहारिक मात्रक क्या होते हैं उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट किसी स्टूडेंट का नाम है मोहन या फिर मोहित है, ये उसका डॉक्यूमेंट्स में नाम है, मतलब मार्कशीट वगैरह में उसका नाम है मोहित, तो ये उसका ऐसा ही नाम है, ऐसे समझ सकते हो आप। उसके अलावा सपोज दैट उसको घर वाले गोलू कहते हैं, सपोज दैट उसके बुआ जी के यहाँ पर या मामा जी के यहाँ पर उसको कालू कहते हैं, तो ये सब उसके व्यवहारिक नाम है, मतलब घरेलू नाम है जो उसको घर पे यूज करते हैं, और ये है उसका ऐसा ही नाम। तो ये होता है व्यवहारिक मात्रक, मतलब घरेलू मात्रक जो लोकल हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लंबाई के, लंबाई के व्यवहारिक मात्रक। तो लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपने को यहाँ पर तीन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। खगोलीय मात्रक, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं एयू से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक क्या होता है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे प्रकाश वर्ष, इसको हम लाइट ईयर बोलेंगे, एल वाई से लिखेंगे शॉर्टकट में इसको हम। थर्ड है पारसी, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये पारसी। अब कौन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक होता है, सपोज ये अपनी अर्थ है और ये सन है, तो अपने को पता है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती है, तो कभी, और ये जो घूमती है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है इस टाइप से। तो यहाँ पर जब अर्थ है तो डिस्टेंस अलग होगी, जैसे अर्थ यहाँ पर आ जाएगी तो डिस्टेंस अलग होगी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम औसत दूरी हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। तो ये जो दूरी होती है 1 AU या खगोलीय मात्रक, ये होती है 1.49 × 10^11 meter। तो ये है अपना खगोलीय मात्रक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जिसको हम कहते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में वायवीय निर्वात में तय की गई दूरी। तो प्रकाश की जो चाल होती है ये सबको पता होगा, वायवीय निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10^8 meter per second, मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितना मीटर चल जाता है। तो एक साल में कितना चलेगा उस दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। देखो एक साल में कितना चलेगा, तो दूरी का सूत्र होता है अपना, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल तो है 3 गुणा
10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड और समय है एक साल 1 ईयर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में। तो देखो 1 ईयर का मतलब होता है 365 डेज और डे को हम लिख सकते हैं 24 आवर और हावर को लिख सकते हैं 60 मिनट और मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आता है 9 पॉइंट, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, तो 1 light year इक्वल्स टू आता है 9.46 × 10^15 meter। तो ये होता है एक प्रकाश वर्ष। तो याद रखने अपने को, थर्ड है अपना तो दोनों हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इक्वल्स टू तो होता है 1.49 × 10^11 meter और 1 light year होता है 3.46 × 10^15 meter, सॉरी 9.46। अब हम बात करते हैं थर्ड है अपना पारसेक। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक तो पारसेक क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अगर हम एक आर्क बनाए मतलब चाप बनाए और इस चाप की लंबाई हम रखें 1 AU। देखो अब समझना इसको, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो ये जो चाप है सॉरी आर्क जो है ये चाप है ये यहाँ पर इतना कोण बना रही है। जैसे इस पॉइंट को हम थोड़ा दूर ले जाएंगे तो ये एंगल ये हो जाएगा, तो लगातार एंगल कम होता जा रहा है। तो अगर हम इस चाप से इतनी दूर चले जाएं ताकि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है अपना ये 1 arc second रह जाए, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 parsec। क्लियर है? दोबारा से देखें, अगर हम 1 AU डिस्टेंस की कोई चाप लें तो ये चाप जिस डिस्टेंस पर जाकर 1 arc second का एंगल बनाती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 parsec। तो आर्क सेकेंड क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो 1 arc second का मीनिंग होता है 1 arc second मतलब होता है 1/3600 degree। ये 1 degree का 3600 जो भाग होता है उसको हम कहते हैं 1 arc second। ये जो कोण है बहुत छोटा कोण है तो इसका डिग्री में अगर हम मान निकालना चाहें तो आता है 1/3600 degree और डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हो आसानी से। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 degree इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। तो इसी कोण को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो देखो ये जो 1 degree है इसकी जगह हम पुट कर देंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो कोण है ये अपना रेडियन में आ चुका है। अब अपने को ये दूरी निकालनी है, तो ये देखो कैसे निकालेंगे, तो ये चाप है और ये कोण है और ये त्रिज्या है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोण का, कोण होता है चाप बटे में त्रिज्या, या फिर इधर से देखो त्रिज्या को हम लिख सकते हैं चाप बटे में कोण। अब चाप का मान भी अपने को पता है 1 AU और 1 AU का मतलब होता है इतना, और कोण भी अपने को पता है
ये इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो पारसेक होगी, 1 पारसेक। तो इसको जब जोड़ भाग की करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये निकल कर आती है 3.08 × 10^16 meters। तो ये है पारसेक। तो ध्यान से देखिए, तीनों मात्रक हमने पढ़ लिए हैं, खगोलीय मात्रक AU, प्रकाश वर्ष और लास्ट है पारसेक। तो तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन कितना होता है ये सबको याद होना चाहिए। थैंक यू।